गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी। इस सत्र 2020-21 में हमारे महाविद्यालय में आपने प्रवेश लिया नियमित छात्र के रूप में। आप सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ महाविद्यालय में, महाविद्यालय परिवार की तरफ से एवं प्राणी शास्त्र विभाग की तरफ से। मैं सर्वप्रथम ऑनलाइन टीचिंग से पूर्व आपको महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के पाठ्यक्रम से संबंधित सिलेबस को आपसे डिस्कस करूँगा, जिसमें मैं मूल रूप से बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड पेपर थर्ड पेपर मूलतः पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मैं सेकेंड पेपर वीक में एक दिन लेता हूँ और फर्स्ट थर्ड पेपर सप्ताह में दो दिन लेता हूँ। तो दोनों ही प्रश्न पत्र आपसे शेयर करूँगा, आपको उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले मैं परीक्षा की जो प्रक्रिया है, परीक्षा का जो स्ट्रक्चर है पेपर का, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जूलॉजी में तीन प्रश्न पत्र होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पूर्व में पिछले सालों तक परीक्षा की अवधि तीन तीन घंटे हुआ करती थी। अभी कोरोना काल की वजह से बीएससी थर्ड ईयर की परीक्षा की अवधि दो घंटे कर दी गई है, परंतु संभवतः 2021 की परीक्षा में परीक्षा अवधि तीन घंटे ही रहेगी। तीनों ही प्रश्न पत्रों का अंक 50 है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 18 नंबर है। इसी प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा भी संपन्न होती है, प्रायोगिक अभिलेख के आधार पर, कार्य के आधार पर, जो कि 5 घंटे की होती है और उसमें 75 नंबर आपके पूर्णांक होते हैं और न्यूनतम 27 नंबर आपको लाना होता है। इस प्रकार से कुल 225 नंबर का प्राणी शास्त्र का प्रश्न पत्र हुआ करता है, विषय है, जो कि 81 नंबर आपको लाने होते हैं। आपके प्रश्न पत्र के अंदर तीन भाग होते हैं, अ, ब और स। अ भाग के अंदर 10 प्रश्न होते हैं और 10 प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, 10 अंकों का होता है और इनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना होता है। इसी प्रकार से भाग ब के अंदर 5 प्रश्न करने होते हैं, 5 प्रश्न दिए होते हैं, उनमें सभी के 2 अंक नियत होते हैं और उनकी शब्द सीमा 50 शब्द होती है। और भाग स के अंदर 3 प्रश्न करने होते हैं, एक एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनमें एक एक प्रश्न की चॉइस होती है। भाग स ऐसे टाइप क्वेश्चंस का होता है और यहाँ शब्द सीमा 400 अंकों की होती है और प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र की आउटलाइन होती है। अब मैं जिस प्रश्न पत्र को सप्ताह में एक दिन पढ़ाता हूँ टाइम टेबल के अनुसार से, अभी तक जो टाइम टेबल मिला हुआ मुझे, उसके अनुरूप मुझे कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी जूलॉजी का सेकेंड पेपर अध्यापन के लिए दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में 3 इकाइयां हैं और ऐसे टाइप क्वेश्चन प्रत्येक इकाई से 2 पूछे जाते हैं, जिनमें से एक हल करना होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो तीनों इकाइयों से पूछे जाते हैं, इसी प्रकार से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो भी तीनों ही इकाई से बराबर रूप से पाठ्यक्रम को विभाजित करके पूछे जाते हैं। तो कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी नामक सेकंड पेपर में जो चैप्टर्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, उसमें कोशिका का परिचय है, जिसमें सेल थ्योरी, मॉर्फोलॉजी इत्यादि
जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हैं, माइकोप्लाज्मा है, वायरस है और एनिमल सेल्स का टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसी तरीके से सेकंड कंटेंट के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है, उसका फिजिकल और केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड चैप्टर में सेल ऑर्गेनल्स हैं, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सम्मिलित हैं, जिसमें खास तौर से एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो पार्ट है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर इसी सेल ऑर्गेनल्स के अंदर, जिसमें गॉल्जी का है, लाइसोसोम्स, माइक्रोसोम्स, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है। तीसरे सेल ऑर्गेनल के रूप में इम्पोर्टेंट रूप में माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका स्ट्रक्चर है, इसका ऑर्गेनाइजेशन है, इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक व्यू है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, एटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन है, ये इसमें सम्मिलित है। इसी तरह से राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, सेंट्रियोल्स हैं, माइक्रोट्यूबुल्स हैं, फ्लैजिला है, सीलिया है और न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर है। चौथे चैप्टर में क्रोमोसोम्स हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी, क्रोमोनीमा, क्रोमोमियर्स, टीलोमियर्स, प्राथमिक और द्वितीयक संकीर्णन, ये इसमें सम्मिलित है। इसी तरीके से क्रोमोसोम्स के अंदर मॉर्फोलॉजी है, क्रोमोनीमा है, क्रोमोमियर्स हैं, टिलोमियर्स हैं, प्राथमिक और द्वितीयक संकीर्णन है, क्रोमेटिड्स हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं, बृहत गुणसूत्र हैं और पॉलीटीन और लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स हैं, ये इसके कंटेंट हैं। गुणसूत्रीय संगठन इसके अंदर का पढ़ना है, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और न्यूक्लियोसोम के कंसेप्ट हैं इसमें, जो कि क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। फिर इसी तरीके से दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एवं आरएनए है, इसके सब कंटेंट्स हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर पॉलीमॉर्फिज्म या बहुरूपता, ए बी व जेड टाइप्स तथा प्रतिलिपिकरण, अर्ध संरक्षण विधि, पॉलीमरेज, ट्रेपोआइसोमरेज, एकल स्ट्रैंड मतलब सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन्स, रिप्लिकेशन, प्रोटीन रिप्लिकेशन, डीएनए रिप्लिकेशन, चिमटी, एक दिशी वृद्धि दिशीय, लीडिंग एवं लॉन्गिंग स्ट्रैंड्स, आरएनए प्राइमर्स तथा ऑन्कोजी की अंश की प्रारंभिक जानकारी है इसके अंतर्गत। डीएनए रिपेयर भी इसी में सम्मिलित है, डीएनए क्षतिपूर्ति की प्रारंभिक जानकारी, आरएनए की रचना एवं प्रकार, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, ये तीन तरीके के आरएनए हैं। आरएनए रिप्लिकेशन है, अनुलेखन हिंदी में कहते हैं, आरएनए अनुलेखन है, पॉलीमरेज, कैपिंग, पॉली एटेल, एक्सॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक जानकारी। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर में रिप्लिकेशन, अनुलेखन एवं अनुवादन है, जिसके अंतर्गत प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन निर्माण, अनुलेखन की प्रक्रिया, आनुवांशिक कूट जिसको जेनेटिक कूट कहते हैं, जेनेटिक कोड
व उसके लक्षण एवं अनुवादन। इसी तरीके से तीसरे चैप्टर में सेल रिप्रोडक्शन है, कोशिका प्रजनन, जिसके अंदर सेल डिवीजन खास तौर से है, जिसमें सेल साइकिल है, इंटरफेज केंद्रक और कोशिका चक्र, जिसमें S1, G1, G2 और M फेजेज हैं सेल की, सेल साइकिल की। इसी तरह से समसूत्री विभाजन, जिसको माइटोसिस कहते हैं, समसूत्री विभाजन की चारों स्टेजेज हैं, प्रोफेज, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, स्पिंडल फॉर्मेशन की रचना एवं उसके कार्य और एनाफेजी मूवमेंट। इसी तरह से अर्धसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन के चरण व प्रक्रिया, युग्मन व सिनेप्टोसिमल संकलन, केइज्मा निर्माण, केइज्मा फॉर्मेशन के नाम से अंग्रेजी में जानते हैं इसको, एवं इसका फेट, जीन विनिमय एवं उसका सिग्निफिकेंस या महत्व, ये इस तरीके से दूसरी यूनिट है। तीसरी यूनिट में जेनेटिक्स का पार्ट है मूल रूप से। पहला चैप्टर है मेंडलिज्म का, मेंडलवाद, आनुवंशिकी का संक्षिप्त इतिहास व मेंडल के कार्य, मेंडल के नियम, एक संकरण, द्विसंकरण, प्रभाविता एवं अपूर्ण प्रभाविता, इनके महत्व तथा वर्तमान स्थिति। दूसरे चैप्टर में क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन, मोनोप्लाइडी, अगुणिता, द्विगुणिता, पॉलीप्लाइडी या बहुगुणिता एवं असुगुणिता, ये इसके अंतर्गत है। तीसरे चैप्टर में मनुष्य में आनुवांशिक असंगतियाँ, जिसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम, ये इसमें सम्मिलित हैं। चौथे चैप्टर में गुणसूत्री उत्परिवर्तन है, जिसमें गुणसूत्री उत्परिवर्तन का वर्गीकरण, विलोपन, द्विगुणन, स्थानांतरण एवं प्रतिलोपन है। पांचवें चैप्टर में जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन। छठे चैप्टर में संलग्नता एवं जीन विनिमय, जीन एक्सचेंज एवं सहलग्नता सम्मिलित है। छोटा सा चैप्टर है ये। सातवां चैप्टर है लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन एवं लिंग सहलग्न वंशागति। आठवें चैप्टर के अंदर आनुवंशिक पारस्परिक क्रियाएं हैं, जिसमें पूरक जीन्स, संपूरक जीन्स, डुप्लीकेट जीन्स, प्रबलता रोधक व बहुरूपी जीन्स, बहुगुणक जनीय आनुवंशिकी, जिसमें ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स और आरएच फैक्टर्स तथा उनका सिग्निफिकेंस सम्मिलित है। ये जो सिलेबस मैंने आपको अभी पढ़ के बताया, इसका पीडीएफ भी मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये पिछले साल का सिलेबस है 2019-20 का। 2020-21 के लिए विश्वविद्यालय ने अभी अलग से कोई सिलेबस नहीं दिया है। हो सकता है कि कुछ सिलेबस कोरोना की वजह से कम हो जाए या कोई नए टॉपिक इसमें ऐड हो जाए, तो मैं मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास टीचिंग में उनको कवर कर लूँगा। परंतु आपसे मेरा अपेक्षा है, आग्रह है कि आप विश्वविद्यालय की साइट पर सिलेबस को देखें, उसका प्रिंट ले लें और सिलेबस के आधार पर ही अपने अध्ययन को करें। सिलेबस में मैं जहाँ तक आपको अपनी ओर से एक रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, आप सिलेबस के संपूर्ण भाग को, एक एक शब्द को, एक एक टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़िए, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। कभी भी आप
1 वीक सीरीज ही ऐसी पासबुक शादी के चक्कर में न पढ़ें। आप अच्छी बुक्स पढ़ें, रेफरेंस बुक्स पढ़ें, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में, विश्वविद्यालय के शिक्षण में और स्कूल के शिक्षण में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो ये कि विश्वविद्यालय द्वारा कोई एक निश्चित किताब आपको पढ़ने के लिए नहीं कही जाती है। आप अच्छी से अच्छी पुस्तकें जिनमें मैंने जिन टॉपिक्स का उल्लेख किया है या विश्वविद्यालय जिनका रेफरेंस देता है, जिनको विश्वविद्यालय ने कोट किया है कि ये आपके सिलेबस में समाहित हैं, इनको आप अच्छी पुस्तकों से, कई पुस्तकों से शेयर करके अच्छे नोट्स बना के पढ़ें, क्लास में उपस्थित होकर के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स और जो हमारे प्राणी शास्त्र के दूसरे विद्वान प्रोफेसर हैं उनके व्याख्यानों का आत्मसात करके अच्छे से समझें। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप उसे YouTube चैनल के ऊपर या WhatsApp ग्रुप में हमारे पर्सनल फ़ोन पर WhatsApp करके पूछ सकते हैं। व्यक्ति साहब जब कॉलेज में पधारें तो यहाँ पूछ सकते हैं, अपना कंसेप्ट क्लियर करें, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। ये मतलब कहने का ये कि आपके सिलेबस के, आपके पाठ्य पुस्तकों के पहले पेज की पहली लाइन के पहले अक्षर से आखिरी पेज की आखिरी लाइन के आखिरी अक्षर तक विषय वस्तु को ठीक से समझ लें, उन्हें कंटेस्ट कर लें, फिर आप किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्ज़ाम में या साक्षात्कार में सफल होने से नहीं वंचित होंगे, आप सब जगह आप सफल होंगे। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस सत्र के लिए और आगामी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए। थैंक यू वेरी मच।